नमस्कार दोस्तों, बीएचपीएससी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, भारत सरकार ने इनके सम्मान में 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा किया है। सबसे पहले 2021 में पराक्रम दिवस मनाया गया था, चूंकि इन्होंने देश की आजादी में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया तथा देश को आजादी दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों से सहयोग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों का व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन किया, जिसे हम राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में अध्ययन करते हैं। अगर उसे देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार व्यवहारिक स्तर पर इसको क्रियान्वित किया और विभिन्न देशों के विचार को, विभिन्न देशों के समर्थन को भारत की आजादी की तरफ मोड़ने का कार्य किया। तो ऐसे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका की एक अमूल्य योगदान भारत की स्वतंत्रता और आजादी दिलाने में रही है। कुछ दो तीन छोटी छोटी कहानियां हैं जो इनके जीवन से जुड़े हुए बहुत से तथ्य हैं, जो कि आप लोग किताबों से जानते हैं। कुछ कहानियां हैं जिसे हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली कहानी इनके सिविल सेवक बनने से लेकर के है, इनके भाई और इनके बीच में इस बात को लेकर के बातचीत हुई कि सिविल सेवा के लिए प्रयास करना है, आवेदन करना है या नहीं। तो इन्होंने 24 घंटे का समय मांगा, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 24 घंटे के बाद इन्होंने उत्तर दिया कि हम इस बार की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और सिविल सेवा परीक्षा उस वक्त ICS के नाम से जानी जाती थी। 1919 ईस्वी के इस परीक्षा में ये सम्मिलित होते हैं और चौथे रैंक के साथ ये परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि इतनी कठिन परीक्षा को इन्होंने 24 घंटे के अंतर्गत निर्णय लिया और उस बार चौथे रैंक के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया। दूसरी महत्वपूर्ण कहानी आती है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर के, जो कि कांग्रेस इनके बीच और गांधी जी से संबंधित है, जो कि पूरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनके प्रभाव को स्पष्ट करती है। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया, किंतु इन्होंने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए अध्यक्ष जो कि देश की आजादी के लिए पूरे देश के मनोबल को जो है जोड़ने के लिए, मनोबल को मोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति इनको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया। तो इन्होंने खुद अपने नाम का प्रस्ताव रखा, किंतु गांधी जी के द्वारा पट्टाभिषेक रमैया को भी जो प्रस्ताव के रूप में रखा गया। और चुनाव के बाद सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है, किंतु गांधी जी द्वारा ये कहा जाता है कि पट्टाब सीतारमैया की हार उनकी स्वयं की हार है। ऐसी स्थिति में मतभेद बढ़ा और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस से अलग देश की आजादी में अपना योगदान देने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग संगठन और पार्टी का गठन किया, जिसके माध्यम से देश की आजादी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। अगली सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के एक मजबूत प्रतिनिधित्व की बात करता है, वो ये है कि आजादी के दौरान इन्होंने जर्मनी से सहयोग के क्रम में एडोल्फ हिटलर से मुलाकात करने का प्रयास किया, किंतु एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही सुरक्षित रहता था, सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से नहीं मिलता था और गोपनीय ढंग से अपने प्रयासों को अंजाम देता था। और जब ये व्यक्ति गए तो इनके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति को एडोल्फ हिटलर के रूप में लाया गया जो कि हिटलर नहीं था, किंतु इन्होंने अपनी चतुराई से उसे पहचान लिया कि यह एडोल्फ हिटलर नहीं है और स्पष्ट रूप से कह दिया। जब हिटलर आते हैं और उन्होंने पूछा कि आपने इसको कैसे पहचान लिया, तो इन्होंने कहा कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो वह व्यक्ति स्वयं पहले हाथ नहीं बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये पहचान लिया कि आप एडोल्फ हिटलर नहीं हैं। तो इस तरीके से इनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना और उसने भारत की आज़ादी के लिए अपना समर्थन दिया। तो इस तरीके के कुछ अलग किस्म के व्यक्तित्व वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने अलग तरीके से देश की आज़ादी के लिए कार्य किया। हालांकि एक व्यक्ति का रोल पूरी आज़ादी को दिलाने में नहीं था, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से देश की आज़ादी के लिए कार्य किया और इन सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से भारत को आज़ादी मिलती है। इनका अगला कार्य आजाद हिंद सरकार की स्थापना करना था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और इसके माध्यम से इन्होंने समानांतर सरकार
की स्थापना की समानांतर सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो ब्रिटिश सरकार के साथ साथ उस दौरान देश के नीतियों का निर्माण करना, देश के विकास के लिए खाका तैयार करने का काम अलग तरीके से करती थी, जो कि इंडियन के लोगों के माध्यम से थी और इंडिया के विकास से संबंधित थी। तो इस तरीके से आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना की तथा इन्होंने नेहरू, गांधी और लक्ष्मी रेजिमेंट का भी स्थापना किया, एक ब्रिगेड के रूप में जो इसकी स्थापना किया। अक्सर यहां से सवाल भी पूछा जाता है कि किस महिला के नाम पर इन्होंने ब्रिगेड की स्थापना की थी, तो इसको भी जानना आवश्यक है। तो इस तरीके से भारत की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अमूल्य योगदान है और इन्हें याद करना तथा इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करना हम और पूरे कृतज्ञ देश के लिए जो है आवश्यक है। तो इस तरीके से हम 23 जनवरी को इनके जन्म जयंती के रूप में इनको याद करके इनके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावना के अनुरूप देश के विकास में अपना योगदान देने का वचन देते हैं।